आज यहाँ पे जो हम आए हुए तो ये हमारे पार्लियामान के जो दोस्त है, पार्लियामानी जो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए थे, इतजाज और धरना दे रहे, और वो इतजाज और धरना वो जो है जो आने वाले विजट है उसके हवाले से है, क्योंकि यहाँ के जो मौजूदा हुक्मरान है, जो मौजूदा हुकूमत है, जिस तरह के पहले भी उन्होंने जिस तरह के बजट पास किए, उन्होंने यहाँ के अपोजिशन के नुमाइंदों के साथ बहुत ज़्यादती की, और ख़ासकर उनके इलाके के आवाम के साथ ज़्यादती की, जो एक आइनी हक रखते हैं और उनका जो एक मुंतखब नुमाइंदा यहाँ पे पार्लियामेंट में आए हुए, तो उनके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादती की, उनके आवाम के साथ ज़्यादती की। तो अभी फिर कल नहीं परसों बजट इजलास है, तो हमारे सारे जो पार्लियामान के जो दोस्त हैं, ख़ासकर अपोजिशन के जो दोस्त हैं, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम और जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और जिसमें पश्तूनख्वा मिलियों पार्टी और जिसमें हमारे साथ एक आज़ाद उम्मीदवार नवाब सारावान नवाब असलम खान रेसानी साहब भी उनके साथ है, अपोजिशन के साथ है। तो यहाँ बैठे हुए थे, अभी हम लोगों ने बहुत सारे दोस्तों के साथ मशवरा किया और अपने अपोजिशन पार्टी के दोस्तों के साथ मशवरा किया, अपने पार्लियामान के साथ जो हमारे यहाँ पे दोस्त उनके साथ मशवरा किए, और मान लें मोहतरम अजी लश्करी रसानी और दूसरे जो दोस्त यहाँ पे बैठे हुए थे जो इधर आए हुए थे उनके साथ मशवरा करके, अभी हम तो इसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे, फैसला ये हुआ कि अभी इस तरह नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए आइंदा के लिए अमल क्या करना है। तो उस सिलसिले में कल भरोज़ जुमा बवक्त 3 बजे सारावान हाउस में हमारे पार्टी के क्वेटे में जितने भी हमारे सेंट्रल कमेटी के दोस्त हैं और यहाँ के जो मरकज़ी कैबिनेट के जो दोस्त हैं जो यहाँ पे मौजूद है और हमारे जो पार्लिमानी दोस्त हैं, वो कल हम लोगों ने 3 बजे सारावान हाउस में एक मीटिंग रखा है और उस मीटिंग में हमारे सारे दोस्त शिरकत करेंगे और वो उसमें बैठ कर फिर हम आइंदा का लाइमल तैयार करेंगे कि हमने आइंदा क्या करना है, क्योंकि आइंदा तो ये जो बजट वाला दिन होगा हमारे पार्लियामान के दोस्त वो अपना पोजिशन के ज़रिए से अपना एक फैसला करेंगे, हम यहाँ पे किसी को भी ये हक नहीं देंगे कि वो बलूचिस्तान के हवाम के हकूक पे डाका डाले या वो हमारे साथ इस तरह सलूक करे जिस तरह के आज कल लोग मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं या कश्मीरों की बात करते हैं, यहाँ पे भी हमारे साथ बिल्कुल वही कश्मीरों वाला सलूक हो रहा है जिस तरह की ये हमारे जो मौजूदा हुक्मरान है, जो मौजूदा हुकूमत है, हम महसूस करते हैं कि अगर हमने इसको मज़ीद टाइम दिया या अगर सरकार ने या मरकज़ ने इसको मज़ीद टाइम दिया तो बलूचिस्तान बहुत बुरानी कैफियत से दो चार होगा। ये हमारी बात थी कि अभी हमारे साथ जो यहाँ पे हमारे साथ है पार्टी के सीनियर दोस्त है, मैं अजी लश्करी रसानी से भी कहूँगा कि वो भी आपके साथ दो तीन बातें सही, कोई कमी भी इशू तो नहीं जी, मेहरबानी सर। तो धरने के हवाले से बताइए कि धरना अब किस, कौन सा धरना, ये जो ये अपोजिशन जो वहाँ पे बैठे हुए जो अपोजिशन के दोस्त है, जमीयत उलमा इस्लाम है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है और पश्तूनख्वा मिलियों पार्टी, वो जो वहाँ पे बैठे हुए ये उनका फैसला है, उठेंगे नहीं उठेंगे, कब तक है कब तक नहीं, हमारे सियासी क़यादत का फैसला कुछ और है और यहाँ फैसला उन लोगों का अपना फैसला है। यह पार्टी पॉलिसी बयान की, यह पार्टी पॉलिसी जो हमने बयान किया इस वक्त, ठीक है, मेहरबानी, थैंक यू सर।